Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic rational numbers. So my today's topic is rational numbers in ascending order. So we have two cases to arrange in ascending order. The first case is rational number with the same denominators, and the second case is rational numbers with the different denominators. First case, if the denominators are same, first thing we arrange, we change the denominator with the positive sign, and we arrange numerator in ascending order. So this red color one is very important, that I have told you earlier in my videos कि यहाँ पर हम fraction और integers के सारे properties use करते हैं. तो एक नई चीज हमें देखने मिलेगी, वो मिलेगी हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा. तो जब भी डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से लिखा हुआ है कि हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव उसमें चेंज करना है. ये होने के बाद हम फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. तो ये स्टेप्स मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है केस वन. When the rational numbers with the same denominators, या आप rational numbers देख सकते हैं, इनमें यदि आपके denominators same हैं, same concept हमने किया हुआ है fraction में. जब fractions में हमारे denominator same होते हैं, we arrange numerator in ascending order if the question is from ascending order. जब यहाँ पर आप देख सकते हैं positive और negative दोनों sign हैं. सो फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं क्या. यहाँ पर आप चेक करिए आपके डिनोमिनेटर सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है. सेकेंड स्टेप, अरेंज न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स स्मॉलर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर बिगर होते हैं. तो पहले हम नेगेटिव नंबर्स को अरेंज करेंगे, फिर हम पॉजिटिव नंबर्स को अरेंज करेंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर कौन सा होगा, -5/7. सो योर आंसर विल बी -5/7. देन नेक्स्ट विल बी -3/7. हमने दोनों ही नेगेटिव नंबर्स अरेंज कर लिए. अब हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स में छोटा है 2/7 और उसके बाद हमारा नंबर है 9/7. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. फिर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप आपको डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव करने होते हैं, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स नेगेटिव हैं. पॉजिटिव कैसे करेंगे, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इस माइनस साइन को आपको न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट कर देना है. बट यहाँ दो तरह के आपको नेगेटिव डिनोमिनेटर्स मिल रहे हैं, तो वन बाय वन हम दोनों देखेंगे. फर्स्ट वन है आपका -4/9, ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. सेकेंड वन में आ जाइए, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो विद इंटीजर प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर 2, सो द नंबर विल बी पॉजिटिव. तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8/9. आप तीसरे इसमें चले जाइए, आपका है -5/9, सो दैट इज -5/9. और जो नेक्स्ट केस है वो 7/-9, तो आपको माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर के साथ लिख देना है -7/9. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इज ओवर. नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप, आपको जो न्यूमरेटर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं. तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर, यहाँ आप ये भी देख सकते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, ये इस तरह से हम स्मॉलर टू ग्रेटर लिखते हैं. स्मॉलर नंबर आपके नेगेटिव होते हैं, तो पहले हम नेगेटिव नंबर को अरेंज करेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट जो नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे है -5/9. फिर उसके बाद आपको मिलेगा -4/9. इस तरह मैंने दोनों नेगेटिव नंबर्स लिख लिए. अब हम पॉजिटिव नंबर्स की ओर बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव नंबर में जो स्मॉलर नंबर, सॉरी यहाँ एक और नेगेटिव नंबर भी है -7/9. सो सबसे पहला होना चाहिए -7/9. सॉरी मैं इस नंबर की ओर देखना भूल गई. अब पॉजिटिव नंबर एक ही बचा है, तो वो हो जाएगा हमारा 8/9. सो दिस वे दिस इज द आंसर. अगेन अरेंज रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. यदि नेगेटिव है तो हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, हमें इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है. तो हमारे जो अब रैशनल नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3/7, फिर ये हो जाएगा -5/4, एंड द लास्ट वन नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हम न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -7/2.
सेकेंड स्टेप फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. यदि आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ 7, 4 and 2. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए आप प्रॉपर मेथड भी यूज कर सकते हैं 7, 4 and 2. दिस मेथड एवरीबडी नोज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. या दूसरा मेथड शॉर्ट में ये होता है कि हमारा ग्रेटर नंबर 7 है तो आपको 7 का टेबल रिसाइट करना होता है. 7 ones are 7, बट ये 2 और 4 में नहीं आता है. 7 twos are 14, ये 2 और 7 में तो आता है बट 4 में नहीं आता है. 7 threes are 21, अगेन टेबल ऑफ 2 में नहीं आता है. 7 fours are 28. सो जो 28 नंबर है ये आपके 4 में भी आता है, ये आपके 2 में भी आता है. तो इसका एलसीएम हो जाएगा 28. दिस इज द शॉर्टकट वे टू फाइंड आउट एलसीएम. Now, next step, express the denominators with the same denominator. तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो पहला fraction दिया हुआ है -3/7, इसका denominator हमें 28 बनाने के लिए हम multiply करेंगे 4/4, that is equivalent fraction. फिर second आपका दिया हुआ है -5/4, -5/4, again denominator को 28 करने के लिए हमें 7/7 से multiply करना होगा. राइट डाउन द लास्ट फ्रैक्शन, लास्ट रैशनल नंबर, दैट इज -7/2. तो हमें यहाँ 14/14 से मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा -12/28, -35/28, और जो लास्ट रैशनल नंबर है वो मिलेगा आपको -98/28. तो हमने सारे जो रैशनल नंबर थे उनको सेम डिनोमिनेटर्स में चेंज कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर करते समय पहले हम नेगेटिव नंबर्स को अरेंज करेंगे. यहाँ हमारे तीनों ही नेगेटिव नंबर्स है तो इसमें सबसे छोटा नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा -98/28. ये आपका लास्ट वन है तो हमारा लास्ट नंबर यहाँ क्या है, -7/2. जब भी हम आंसर लिखते हैं हमें जो गिवन नंबर्स होते हैं हमें आंसर्स इस फाइन रूप में लिखना होता है. अब -98/28 के बाद दूसरा मिलेगा आपको -35/28, दैट इज द मिडिल वन रैशनल नंबर. तो मिडिल वन आपका है 5/-4, तो ये आपको मिलेगा 5/-4. और जो लास्ट है वो है -12/28. तो आपको ये जो रैशनल नंबर है वो मिलेगा -3/7. मैं इसे कट करके बाजू में लिख रही हूँ -3/7. सो दिस इज द आंसर. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. सो हियर अगेन फर्स्ट स्टेप, चेक द डिनोमिनेटर्स. ये आपका एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले हम उसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए माइनस साइन हम लगा देंगे न्यूमरेटर के साथ. तो ये हो गया -7/10, ये हो गया -5/6. अब डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, हमारे सारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, दैट इज 5, 10 and 6. यहाँ पर आपका ग्रेटर नंबर 10 है तो हम 10 का टेबल रिसाइट करेंगे. 10 ones are 10, 10 twos are 20, टेबल ऑफ 6 में नहीं आता है. 10 threes are 30, 30 आपके टेबल ऑफ 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, 6 में भी आता है. तो आपका एलसीएम हो जाएगा 30. नेक्स्ट स्टेप, हम सारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको सेम डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे. सो सबसे पहला हमारे पास है -3/5. तो 5 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही हमें 30 मिलेगा. सेकेंड रैशनल नंबर है -7/10. इस 10 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 3/3. और जो लास्ट रैशनल नंबर है वो है 5/6, सो इसे हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आपको मिलेगा -18/30, यहाँ मिलेगा -21/30, और यहाँ आपको मिलेगा -25/30. हमारी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ नेक्स्ट वन, अरेंज न्यूमरेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जब भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं पहले हम नेगेटिव नंबर्स को अरेंज करते हैं. यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स हैं तो आपका जो सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा वो होगा -25/30, दैट इज द लास्ट वन. लास्ट वन है आपका -5/6. ये मेरी आपसे
रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों स्टेप साइड बाय साइड लिखते जाइए, जिससे मिस्टेक कम होती है। नेक्स्ट आपका होता है -21/30, दैट इज द मिडिल वन। मिडिल वन इज 7/-10, और जो सबसे ग्रेटर रैशनल नंबर है यहाँ पर वो है -18/30, दैट इज द फर्स्ट वन। तो आपका यहाँ फर्स्ट वन हो जाएगा -3/5। एग्जाम में यदि आप ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट होते हैं। आंसर हमेशा हमें ओरिजिनल रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ही लिखना होता है। अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया, सेम यही चीजें हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम दोनों कैसे, व्हेन रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, अरेंज रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, हमारे सारे डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं, फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे। जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर होते हैं, तो हम स्टार्ट पॉजिटिव नंबर से करेंगे। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा 9/5। उसके बाद जो छोटा नंबर है वो है 2/5। सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख लिए, अब हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। नेगेटिव नंबर में भी ग्रेटर नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा -3/5, और जो सबसे छोटा रैशनल नंबर है वो है -7/5। यदि आपको नेगेटिव और नेगेटिव नंबर्स में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपसे कहा था ये आपकी एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पे होता है -1, ये होता है -2। तो आपके राइट हैंड साइड नंबर हमेशा ग्रेटर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स आपके हमेशा स्मॉलर होते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि -3 और -7 में कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पे होगा। डेफिनेटली -3 ग्रेट राइट में मिलेगा, तो इसलिए ये नंबर ग्रेटर है। यदि कोई भी कंफ्यूजन है आप नंबर लाइन बनाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो नेगेटिव डिनोमिनेटर्स मिलेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमें इसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स में लिखना है। तो हमारे नंबर हो जाएंगे -4/9। नेक्स्ट, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो वी कैन यूज हियर इंटीजर कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर 2, 2 इज एन इवन नंबर, सो आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट इज 8/9। नेक्स्ट आपको मिलेगा -5/9, एंड नाउ यहाँ पे आपका नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, तो हम इसे पॉजिटिव नंबर कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन को हम न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे। अब आपके सारे डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार असेंडिंग ऑर्डर दिया होता है और डिसेंडिंग में आप अरेंज कर देते हैं, कई बार डिसेंडिंग दिया होता है असेंडिंग में अरेंज कर देते हैं। आपको आता सब है बट लिखते समय आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो लिखने से पहले आप क्वेश्चन में देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर नंबर विल कम फर्स्ट, पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर होते हैं। यहाँ पर एक ही पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा 8/9। इसके बाद जो आपके सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, -4/5, आप नंबर लाइन इमेजिन कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा -5/9, और उसके बाद आप लिखेंगे -7/9, सो दिस इज द आंसर। टेक अनदर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो सबसे पहला स्टेप आपका होता है, जब भी रैशनल नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना होता है। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर के साथ लिख दीजिए, और ये बन जाएगा आपका -7/2। अब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3, 4 and 2। यहाँ आपको ग्रेटर नंबर मिल रहा है 4 का टेबल डिसाइड कीजिए, 4 1 4 4 2 8, टेबल ऑफ 3 में नहीं आता है, 4 3 12। ये जो 12 है ये आपको सभी नंबर्स में मिल जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12। नाउ -2/3, डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रैशनल नंबर है -5/4, डिनोमिनेटर 12 कन्वर्ट करने के लिए हमें 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड द लास्ट वन इज -7/2, तो यहाँ हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना होगा।
नंबर्स लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, -8/12 ये नंबर आपको मिलेगा, -15/12 लास्ट नंबर आपको मिलेगा, -42/12। लिखने से पहले एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर्स को मैं अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले को हमें ग्रेटर नंबर लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ग्रेटर नंबर आपके कौन से होते हैं यहाँ पर, सॉरी स्मॉलर नंबर आपके कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो नेगेटिव नंबर के लिए आपको सबसे छोटा नेगेटिव नंबर मिलेगा, -42/12। -42/12 दिस इज द लास्ट वन, तो दैट इज -7/2। फिर आपको मिलेगा -15/12, सो -15 मीन्स द मिडिल वन, दैट इज 5/-4। और उसके बाद मिलेगा आपको -8/2, दैट इज -2/3। सॉरी ये नंबर यहाँ आना चाहिए -8/2 एंड यहाँ होगा -2/3। सो दिस इज द वे, लिखने से पहले ये दो स्टेप्स आप एक साथ लिखेंगे, और ये स्टेप्स लिखने से पहले आप क्वेश्चन चेक करिए क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मेथड सेम है, सिर्फ स्टेप 4 अलग होता है। आपको जो न्यूमरेटर्स है या तो वो अरेंज करने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या वो अरेंज करने होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी डिसेंडिंग ऑर्डर का, इसलिए मैंने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि जो दिमाग में होता है वही करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ नहीं देखते। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर है तो हमें यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ये स्टेप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो नाउ द टाइम फॉर कॉन्सेप्ट टेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स टाइम आप दीजिए, दोनों क्वेश्चन एक पेज पर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इन दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम हमारा नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड डेफिनेटली टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।